जितना भी स्कूटी है सब खरीद लिया मैंने भाई, अब लेके चलो। क्या हो गया अंकल, क्या हो गया, तेल खत्म? अब मैं आप लोगों को इसका स्कूटी का साउंड सुनाता हूँ कैसा होता है। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से व्लॉग में। एंड आज मेरे चेहरे का स्माइल देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा खिल रहा है जस्ट बिकॉज आप लोगों ने तो थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं नया स्कूटी लेने के लिए और आज हम बस देखने के लिए जा रहे हैं। सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैंने टाइटल डाला फाइनली गोइंग टू बाय न्यू स्कूटी, बट ये एक्चुअली में ट्रू है। आज मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, सारा डिटेल्स वगैरह लेकर आऊँगा, कौन सा कलर मिल रहा है कौन सा नहीं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगा वो सब कुछ पता करके आएंगे, साथ ही साथ प्राइस वगैरह भी सब कन्फर्म करके आएंगे। तो इसीलिए जा रहा हूँ अभी और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ नमसाई और फिलहाल जाने वाला हूँ इस जाऊंगा इस एमटी बाइक से और साथ ही साथ थोड़ा ब्लॉगिंग भी करते जाऊंगा। और ये जो एमटी बाइक है हमारा साहिल भाई का, जो हमेशा हमारा हेल्प करता है कभी भी, और जब हम लोग नया स्कूटी ले लेंगे ना उसके बाद हम लोगों का प्लानिंग है ना कहाँ कहाँ जाएंगे। 15 अगस्त का दिन को तो और अच्छा हो जाएगा तेजू, 15 अगस्त लद्दाख राइड में जाएगा, लद्दाख राइड नहीं नहीं आर्यन, लद्दाख राइड में कौन सा स्कूटी लेके जाएगा? लद्दाख में तो वो यामाहा का जो नहीं होता क्या, अभी कोई कोई लड़का लोग है, मेरा दोस्त लोग बोल रहा है कि वो स्कूटी बाइक लेगा वो वाला यामा का RX 100, काफी ज्यादा महंगा भाई, काफी ज्यादा डिमांडेड भी है, पुराना पुराना बाइक भी भाई 70,000-80,000 बोल रहा है। खैर अब ज्यादा बातचीत नहीं करते, अब यहाँ से निकलते हैं नमसाई के लिए। रेडी छो? चलो भाई निकलते हैं, चलो भाई अपना सेटअप करते हैं अपना ब्लॉगिंग का। और उसके बाद चलो भाई अभी ऐसे रहता है, अभी परफेक्ट, अभी एक बार ट्राई कर चुका ना हो जाएगा। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से नमसाई के लिए, रास्ते में पता चल ही जाएगा। बैठो आर्यन, अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं सबसे पहले इसका एंगल कैसा आ रहा है, क्योंकि आइडिया नहीं है ना इसका, थोड़ा सा हम लोगों ने सेटिंग चेंज करके रखा है। अब चेक करते हैं ना आर्यन, ठीक है? अच्छा रहे हम देखा, अच्छा रहे, अभी बंद कर देगा वीडियो क्योंकि रास्ता का नहीं बनाएगा ना ज़्यादा। बारिश आ चुकी है यार, घर से निकले थे तो उस वक्त तो मौसम काफ़ी दिल गार्डन गार्डन वाला था, आधे रास्ते में आया दिल गार्डन गार्डन होने वाला मौसम आ गया। क्या बोलते हैं, चलती है? चलते हैं, चलते हैं ना, देखा बारिश कैसा कैसा हो रहा है, दिखाया है। हाँ आपसे पहले ज़्यादा जान पहचान, आपसे ज़्यादा पहले हम दिखा दिया सब्जी लोग, दिखा दिया अपकमिंग ब्लॉगर, पहले दिखा दिया था बारिश दे रहे हैं उनके। और हम बारिश में निकलते हुए नमसाई की ओर, दो लड़के एक साथ होते हैं तो मौसम का केयर नहीं करते, सिर्फ केयर करते हैं तो मस्ती वा का मस्ती उठनी नहीं चाहिए। क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि बारिश हो या धूप चलना चलना चाहिए कभी भी ऑलमोस्ट। और हमें जाना पड़ेगा 10 से 15 मिनट, जब हम पहुंच जाएंगे नमसाई, तो नमसाई में जाके क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नमसाई बेस्टिक और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गया यार इधर आके। और अभी मैं एक शख्स के साथ जा रहा हूँ, वो काला जो बाइक देख रहा ना रापचीक पे गया भाई, उसके साथ में जा रहा हूँ TVS स्टोर में, स्टोर बोलता है कि डीलर बोलता है रे, और TVS डीलर में जा रहा हूँ, जाके देखते हैं भाई अपना पसंद वाला स्कूटी है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया भाई हमारा नमसाई डिस्ट्रिक्ट। भाई किधर निकल गया, वो निकल गया क्या? कोई नहीं, आराम से जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है। ये वाला रास्ता जाएंगे ना दोस्तों तो आप लोगों को सारा ऑफिस वगैरह इधर देखने को मिलेगा ये साइड, बट हमें जाना है इस तरफ। मिनाल आर्यन को पता है कि डीलर किधर है? पूरा धुआं धुआं करते हुए
फाइनली वी आर हियर इन टीवीएस नाम भी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नमसाई और आने के साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग यहीं पर आए हैं जहां से हमें अपना स्कूटी देखना है। और आके देखा तो भाई यहां पर बाहर में कितने सारे गाड़ी वगैरह लगा कर रखे हैं, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया। तो अभी कौन सा लेंगे समझ नहीं आ रहा है, कौन सा सजेस्ट करो दानिश भाई? हमको बोलेगा कि जुपिटर लीजिए नहीं तो एंटॉक लीजिए। एंटॉक तो नहीं लेना यार, मेरा पूरा प्लानिंग करके है जुपिटर ही लेके लेना है, पर कौन सा वाला अच्छा रहेगा? ये मॉडल मजा है और वो वाला मजा है, उधर में जो रखा वो बढ़िया। ये वाला पुराना मॉडल बोल रहे हैं ना, और उधर वाला नया वाला ना, हाँ से देखता है कौन सा वाला अच्छा रहेगा। हमको तो कुछ समझ नहीं आता भाई, कौन सा ये वाला? ये ले लो, ये आर्यन लेके लेकर जाएगा ना तो फिर ये बोलेगा साला कहाँ फंसा दिया हमें। कौन सा वाला नया मॉडल बोल रहा था ये ना? क्या बता रहा था BS क्या क्या दानिश? मतलब न्यू वर्जन अभी का जो अभी हाली में, तो ये 125 ही है ना? कलर भी अच्छा लग रहा है इसमें। कितना कलर, 1, 2, 3, 4, ये तो बकवास है ना। हम ये वाला कलर देख रहा था पता है, इससे अच्छा वो चॉकलेट वाला लग रहा है ना फोटो में, पर ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये सारा ये न्यू वर्जन है ना। चलो तो भाई अंदर जाके अब डिस्कस करते हैं क्या क्या रेट वगैरह है। अभी हम लोगों ने रेट वगैरह सारा पता कर लिया, कौन सा रेट कैसा कैसा है वहाँ पर, तो 3-4 डिफरेंट टाइप का है तो सबका रेट अलग अलग है। और मैं सोचा चलो भाई टेस्ट ड्राइव कर लेते एक बार, इसमें दिया चाबी इतने सारे, कौन सा लेके जाए समझ नहीं आ रहा। नहीं सब लेके चलो, सब लेके सब टीवीएस के लिए दानिश को तो पता होना चाहिए सबका। चाबी चाबी तो यही है उसका जुपिटर का, लेकिन कौन सा वाला कलर वो देखिए। कैसे पता चल रहा है वैसे? नहीं नहीं कर रहा, लिख के देता है। ये तीन में से कोई होगा क्या? हम तो सोचा था मजाक कर रहे, चाबी ढूंढ के दे रहा हूँ बोल के। मैं ऐसे रखता था नहीं, कोई नहीं ऐसे यकीन था ना कि मतलब ऐसा हो गया। जितना भी स्कूटी है सब खरीद लिया मैंने भाई, अब लेके चल। हाँ सर ट्राई करेगा भाई, इतना गर्म लग रहा है यार, अंदर ही ठीक था, अंदर ऐसी है ना। स्थान हो गया, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है 1455। मिल गया चलेगा, ये क्या हो गया भी होता है। ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना वो वाला, हम नहीं पता है हम पहले सबसे पहले सोचा था वो वाला, पर वो फोटो में अच्छा दिख रहा है, रियल में रियल वो नहीं होगा, बता देखिए नहीं होगा लगता है, पर ठीक तो रहा है ना तो जाएंगे सर आप ना? ठीक है सर। मीटर भी नया है तो ये डिजिटल है ना? मीटर सिस्टम सब लगा हुआ है। ओके सेंसर सब कुछ दिया हुआ, तेल का भी इसको मैं दिखा रहा है, स्पीड वाला है कुछ। ओके घुमा देगा, हॉर्न भी अच्छा है यार, इको सिस्टम पावर सिस्टम, ये कैसे पता चलेगा? स्पोर्ट मोड, हवाई मोड, सब मोड है, मेरा हाथ में आएगा सब मोड निकल जाएगा। आवाज मजा है, ये
अब मैं आप लोगों को इसका स्कूटी का साउंड सुनाता हूँ कैसा होता है। इसमें काफ़ी सारा फीचर्स भी दिया हुआ भाई, जो कि नया नया जो मैंने अभी तक नोटिस किया है। एंड चलो आप लोगों के साथ ये साउंड सुनो भाई। और इसमें क्या क्या फीचर्स मैंने अभी तक नोटिस किया है, सबसे पहला तो ये देखो, इसमें आपको एकदम मस्त डिजिटल वाला क्या बोलेगा उसको दानिश, मीटर डिजिटल मीटर जो भी वो मिल गया यहाँ पर, आपको पूरा सब कुछ दिखा रहा भाई। ये क्या चीज़ है, ये ऑफ होने के। और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो दिखा देता ना। इसमें आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिल जाएगा, इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें ब्लूटूथ है, आपका फोन कनेक्ट कर सकता है। हेलमेट पहना है कि नहीं पहना उसका भी दिखा रहा है क्या, बता देगा वो भी दिखा रहा है, फ्यूल परसेंटेज दिखा रहा है, उसके बाद इको मोड है, पावर PWR मतलब ये पावर मोड है इसमें, आप इसमें क्या वो चलाते चलाते हो जाएगा ना। हाँ, चलाते वो सही है भाई। और हॉर्न सुनेगा आपका, मतलब ये जब डिलीवरी होगा तो ये आपको ये मोड में इन लोग फिक्स कर देगा, तो ये आपका स्कूटी जैसा अभी स्टार्ट है ना, तो इसको ऑफ कर दिया तो स्कूटी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आता है, ये देखिए हमें QR कोड दिया हुआ है, इसमें पता चलेगा अगर आपके पास अगर मतलब आपका सब्सक्राइबर लोग अगर चाहता है कि आपको फ्यूल भराने के लिए पैसा देना हो तो ये QR कोड में स्कैन कर सकता है। QR कोड अच्छा से देख लीजिए। और बाकी तो स्कूटी का ये देखिए लुक अच्छा है, ये स्कूटी काफी बढ़िया है। वैसे एंटोर्क भी ठीक है, लेकिन बस वही है कि उसका माइलेज ज्यादा मतलब नहीं देता है उसका, मतलब आदमी लोग ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, वो हैवी उसके लिए है। बाकी ये देखिए स्कूटी ये लीजिए। मैंने ज़्यादा स्कूटी वगैरह कुछ भी नहीं देखा, मुझे एक सजेस्ट करके आया था सभी लोग से पूछ पाछ के कि कौन सा लेना है, तो आने के बाद ये देखा, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले सोच रहा था मैं ऐसा वाला कलर लूँ, बट जब सामने से देखा ना इतना मज़ा नहीं आया, ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके फीचर्स भी भाई काफ़ी सारा है, मैं एक कर आपको और जल्दी मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको मीटर बॉक्स जो कि पूरा डिजिटल वाला देगा, इसमें काफ़ी चीज दिया हुआ है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और साथ ही साथ यहाँ एक फीचर्स और दिया भाई, हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक है ना, ये गया ऐसे करके और ये लॉक हो गया, तो आपका स्कूटी लाइक सपोज कहीं पर रखा हुआ पार्किंग करने के लिए गिरने का चांसेस होता है ना, जैसे आप साइड में रखते हैं ना माउंटेन वगैरह में, तो उस समय ये लगा देगा तो आपका स्कूटी हिलेगा नहीं। और इसके बाद ये गया ऐसे खुल गया। और इसका जो प्राइस अभी मैंने पूछा तो इसका प्राइस पड़ रहा 1,27,000 पड़ा करीब, मतलब और उसमें एसेसरीज वगैरह लगाएंगे तो आपका 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा, 5,000 रुपये से एसेसरीज वगैरह करें, वही बेस्ट है। और बाकी हाँ, और बाकी इन सब का प्राइस भी मैंने कुछ पता किया था, ये आई थिंक 1,21,000 के आसपास में ये दोनों। उसके बाद ये है 1,15,000 कुछ ऐसे बता रहा था, एक्सेसरीज अगर अलग से लगेगा भाई उसका चार्जेस। आपने बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच सर, हम आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, नंबर आपका ले लिया हमने। ओके मिलेंगे जिंदा रहा तो भाई। अपना स्कूटी जो देखना था देख लिया मैंने, ज़्यादा सब कुछ का इतना डिटेल्स नहीं लिया, क्योंकि जो चाहिए उसी को देखो अच्छा है ना, एक चीज़ में फोकस करो तो बेस्ट रहता है, तो वो देख लिया, अच्छा लगा मुझे चला के, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब एक बार रेट वगैरह डिस्कस करेंगे अब्बा से कि कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मेरे अंदर में नहीं है ना, परमिशन तो लेना पड़ेगा जब गार्जियन है, तो जाके बताते हैं। और उसके बाद कल या परसों आके या विद इन दिस वीक शायद इसी हफ्ते के अंदर में हम लोग ले लेंगे स्कूटी भाई। क्या हो गया अंकल, क्या हो गया, तेल खत्म, स्टार्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है तो स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर क्या हो गया, तो ठीक है तो स्टार्ट नहीं, ढाका क्यों मार रहा था, तो हो गया तो हो गया तो दानिश के हाथ में जाती देख लीजिए, अब ढाका मार के जा रहा था, हमने सोचा क्या हो गया, चले ठीक है तो अच्छा है। हाँ जाइए, हमने सोचा ये अंकल का स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। हो गया।
मैं आ चुका हूँ नमसाई से घर पे। आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट का, अभी नहा धो लूं, अब चलते हैं दुकान पे और उसके बाद अब्बा से डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट लग रहा है। काफी लोगों को लगेगा कि इतना कम है भाई, क्यों इतना कंजूसी कर रहा है, बट हमें पता है कि एक्चुअली में वो कितना ज्यादा अमाउंट है। तो सबका सोच समझ के आप लोग किसी को कॉमेंट करें, किसी को जज करें, ज्यादा बोल देना। खैर फिर भी आप सब लोगों को तब मना नहीं कर सकते, जो कहने वाला वो तो कहेगा चाहे कितना भी आप कहो। तब चलते हैं दुकान पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और लेट्स सी कि रात तक क्या होता है। मेरा कारीगरी देखो, आज मैंने फिटिंग कर दिया एक यहाँ पे होल्डर, कल बल्ब लाके यहाँ पे बल्ब फिट कर दूंगा। एक्चुअली में इसका फिटिंग करने का कारण यह है दोस्तों कि सकीना जब रात को ना यहाँ पे कुकिंग करती है तो थोड़ा सा अंधेरा लगता है। ये जो बल्ब देख रहा हूँ यह उल्टा साइड हो जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मस्त वाला होल्डर लगा दिया। कल बल्ब लगा देंगे तब जाके इसका सकीना का व्लॉगिंग भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्लियरिटी अच्छा हो जाएगा। एंड बाय द वे आज देखो अपने घर पे क्या बन रहा जा रहा है, चिकन फीट। वाओ, कोरियन लोग का देखा है खाते हुए, इतना ज्यादा ज्यादा मिर्चा डाल के खाते हैं उन लोगों का। तो मतलब कुछ भी बनाओ ना तो उन लोगों का जो मेन प्रोडक्ट होता है ना उससे ज्यादा तो चिली दिखता है। यहाँ पर अपना गर्मा गर्म एकदम मस्त आज चिकन फीट बन रहा है और यहाँ पर देखो झींगा टमाटर मिर्चा वगैरह डाल के एकदम मस्त चटनी बन रहा है, प्रॉन्स का चटनी बन भी गया। वाओ वाओ, खाना पीना हो चुका है और स्कूटी को लेकर अभी तक कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं निकला कि क्या करना है क्या नहीं लेना है, मतलब करना है लेना है कि नहीं लेना, कोई भी क्लियर डिसीजन अभी तक नहीं बना है, इसलिए आप लोगों को अपडेट अभी नहीं दे पाऊंगा। जब पूरा क्लियर हो जाएगा देन आप लोगों को अपडेट देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।